इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिखकर बताएंगे। लिखने से वो वर्ड मीनिंग आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रहेगी और साथ में हम आपको ग्रामर से जुड़ी, टेंस से जुड़ी छोटी छोटी बातें भी बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना और अच्छे से आने लगेगा। मेरी क्लासेस में इस तरह के वर्ड्स, इस तरह के सेंटेंस होते हैं जिसको हम डेली बोलने में यूज़ करते हैं और वो आसानी से हमें याद भी हो जाते हैं। अगर आप मेरी लगातार वीडियोस देखेंगे तो आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना धीरे धीरे आने लगेगा। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। इंग्लिश रीडिंग, क्योंकि ये वीडियो ट्रांसलेशन के साथ साथ रीडिंग की भी है। इन अ फॉरेस्ट, इन अ फॉरेस्ट, किसी जंगल में। इन का मतलब है में, आ का मतलब होगा यहां पर किसी, फॉरेस्ट का मतलब जंगल। लिव्ड अ लायन, लिव्ड रहता था, लिव्ड का मतलब है रहता था। अ लायन, एक शेर, लायन का मतलब है शेर, आ का मतलब एक। He was very ill-tempered. He was very ill-tempered. वह बहुत तुनक मिजाज था। Ill-tempered का मतलब होता है तुनक मिजाज, तुनक मिजाज। इसका मतलब होता है जिसको जल्दी गुस्सा आ जाए, जिसे जल्दी गुस्सा आ जाए उसे तुनक मिजाज या फिर इल टेम्पर्ड या फिर शॉर्ट टेम्पर्ड कहते हैं। वॉज का मतलब था, वेरी का मतलब बहुत। एंड क्रूल, और निर्दयी था। क्रूल का मतलब है निर्दयी। वह बहुत तुनक मिजाज और निर्दयी था। ही किल्ड एनिमल्स, ही किल्ड एनिमल्स, वह जानवरों को मार देता था। किल्ड का मतलब मार देता था, मार देता था। एनिमल्स का मतलब जानवरों को, जानवरों को। जस्ट फॉर फन, जस्ट फॉर फन, सिर्फ मजे के लिए। जस्ट का मतलब होगा सिर्फ, फॉर फन मजे के लिए, मजे के लिए। वन डे, वन डे एक दिन, वन डे का मतलब है एक दिन। आ रैबिट, आ रैबिट एक खरगोश, रैबिट का मतलब है खरगोश। वॉज हॉपिंग अलोंग, वॉज हॉपिंग अलोंग, फुदक रहा था। होप का मतलब होता है फुदकना, ध्यान दीजिएगा आप, होप में कंफ्यूज मत होइएगा। होप का मतलब होता है आशा करना और ये होप है, एच ओ पी होप, होप से बना है हॉपिंग। होप का मतलब होता है फुदकना, अलोंग का मतलब होगा इधर उधर। इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट जंगल में, एक दिन एक खरगोश जंगल में फुदक रहा था। सडनली, अचानक ही, सडनली का मतलब है अचानक ही। द लायन सॉ हिम, द लायन सॉ हिम, शेर ने उसे देखा। सॉ का मतलब है देखा। सॉ सी का सेकेंड फॉर्म है, सी का मतलब होता है देखना, सॉ है तो देखा। वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। वेयर का मतलब है कहाँ, आर हो, यू तुम, गोइंग जा रहे। डिमांडेड द लायन, डिमांडेड द लायन,
शेर ने जानना चाहा, डिमांड का मतलब ऐसे होता है मांग, लेकिन यहां पर हम कहेंगे पूछा या फिर जानना चाहा। आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, ये आई एम का शॉर्ट फॉर्म है। आई एम का शॉर्ट फॉर्म है, गोइंग जा रहा हूं। टू पे माई रिस्पेक्ट्स, टू पे माई रिस्पेक्ट्स, सलामी देने, पे रिस्पेक्ट का मतलब होता है सलामी देना, सलामी देना। टू द न्यू किंग, टू द न्यू किंग, नए राजा को, न्यू किंग का मतलब है नया राजा। ऑफ द फॉरेस्ट, ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के। सेड द रैबिट, सेड द रैबिट, खरगोश ने कहा, सेड का मतलब है कहा। न्यू किंग, न्यू किंग, नया राजा। रोर द लायन, रोर्ड द लायन, शेर ने दहाड़ा, रोर का मतलब होता है दहाड़ना, रोर्ड है तो दहाड़ा। यस योर मैजेस्टी, यस योर मैजेस्टी, हाँ महाराज, यस का मतलब है हाँ, योर मैजेस्टी महाराज। ही सेड, उसने कहा, यानी उस शेर ने कहा है। ही हैड कम, वो आया है। टू रिप्लेस, बदलने के लिए, रिप्लेस का मतलब होता है बदलना। द ओल्ड किंग, बूढ़े राजा को, ओल्ड का मतलब है बूढ़ा, किंग राजा। द चीट, वो बेईमान, चीट का मतलब होगा बेईमान। रोड द लायन, रोड द लायन, शेर दहाड़ा। आई एम द ओल्ड किंग, आई एम द ओल्ड किंग, मैं ही बूढ़ा राजा हूं। आई टोल्ड हिम दैट, आई टोल्ड हिम दैट, मैंने उसे बताया, टोल्ड का मतलब है बताया। टोल्ड, टेल का सेकेंड फॉर्म है, टेल का मतलब होता है बताना, टोल्ड है तो बताया। हिम उसे, दैट ये बात, दैट का मतलब ये बात। एट दिस, इस बात पर। ही गॉट, वह हो गया सो स्केयर्ड, इतना भयभीत। स्केयर्ड का मतलब है भयभीत या फिर डरा हुआ। दैट कि ही वेंट, वह चला गया। वेंट का मतलब है चला गया। एंड और हिड हिमसेल्फ, और खुद को छिपा लिया। हिड का मतलब है छिपा लिया, हिमसेल्फ खुद को। ध्यान दीजिएगा, हिड हाइड का सेकेंड फॉर्म है, हाइड का मतलब होता है छिपाना या फिर छिपना, और ये हिड है तो छिपा लिया। इन द वेल, कुएं में, वेल का मतलब है कुआं। एट द एज ऑफ
किनारे पर, एट द एज ऑफ का मतलब है किनारे पर। द फॉरेस्ट, जंगल के। टेक मी टू दैट वेल, टेक मी मुझे ले चलो, टू दैट वेल उस कुएं पर। थंडर्ड द लॉयन, थंडर्ड द लॉयन शेर गरजा, थंडर का मतलब होता है गरजना, थंडर्ड है तो गरजा। दे वेंट वो गए टू द वेल कुएं पर। द लायन पीप्ड इन, द लायन पीप्ड इन शेर ने झांका। पीप इन का मतलब होता है झांकना और ईडी है इसमें, पीप्ड है तो इसका मतलब होगा झांका। एंड और सॉ और देखा। हिज ओन रिफ्लेक्शन, हिज ओन रिफ्लेक्शन अपने ही प्रतिबिंब को, ओन का मतलब है अपने ही, रिफ्लेक्शन का मतलब प्रतिबिंब। इन द वॉटर, इन द वॉटर पानी में उसने झांका और पानी में अपना ही प्रतिबिंब देखा। ही सॉट उसने सोचा, सॉट का मतलब है सोचा, सॉट थिंक का सेकेंड फॉर्म है, थिंक का मतलब होता है सोचना, सॉट है तो सोचा। इट वॉज द अदर लाइन, इट वॉज द अदर लाइन कि ये दूसरा शेर है, अदर का मतलब है दूसरा, लाइन का मतलब शेर। विथ अ लाउड रोर, विथ अ लाउड रोर जोर की दहाड़ के साथ। विथ का मतलब है साथ, लाउड का मतलब जोर की, रोर का मतलब दहाड़। ही लेप्ट इनटू द वेल, ही लेप्ट उसने छलांग लगा दी या फिर कूद पड़ा। लीप का सेकेंड फॉर्म है, लीप का मतलब होता है कूदना या फिर छलांग लगाना, यहाँ पर लेफ्ट है तो उसने छलांग लगा दी। इनटू द वेल कुएं में। टू फाइट लड़ने के लिए, फाइट का मतलब होता है लड़ना। द अदर लाइन दूसरे शेर से। एंड ड्राउंड और डूब गया, ड्राउन का मतलब होता है डूबना, ड्राउंड है तो डूब गया। उम्मीद करता हूं कि इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स आपको अच्छी लगी होंगी। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।